अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। बहुत हेवी बारिश के बाद हम वापस आए हैं लंकावी के बाज़ार में, और अभी इस वक्त हम बाज़ार में घूम रहे हैं रात के टाइम पे, थोड़ा सा बाज़ार को एक्सप्लोर करते हैं। अंडे फ्राई का बारा खोले यहाँ पर एक आइसक्रीम मिलता है, ये फ्रूट है डोरियन, ये मलेशिया का अपना यहाँ का नेशनल फ्रूट है। बिलीव मी ये लोग पागल है उसके लिए, लेकिन इतना गंदा स्मेल है उसका। कल मैंने आइसक्रीम उस पर खाया था, मुझे ले रहा हूँ डोरियन, मैं आपको टेस्ट बताऊंगा। मुझे उल्टी आई थी वो खाके, लेकिन ये लोग पागल है, स्पेशली यहाँ के लोकल लोग पागल है। ये डोरियन आइसक्रीम, तो ये डोरियन आइसक्रीम है डोरियन, इसका टेस्ट मैं आपको बताऊंगा कैसा है। ये फ्रूट पूरा मासूम किंग, मासूम किंग कौन सा है? आईओआई डोरियन है, आईओआई ये उडंग में। ये अभी आप लोगों को स्क्रीन पे एक फ्रूट दिख रहा होगा, ये इस फ्रूट का बना होता है, बहुत गंदा स्मेल है इसका। इस तरह से सुअगेस नहीं तो सुअगेस उस तरह का है, भाई है भाई, मजे का है। Thank you.
ये वो जो स्पिन शॉट बोल रहा तो भाई आप लोग देख रहे हो ये है लंकावी का बाजार। बारिश के बाद ज़बरदस्त मौसम है, बारिश अभी कम्प्लीटली रुका हुआ है, एंजॉय कर रहे लोग। बहुत मतलब बड़ा बाज़ार है इतने छोटे से आइलैंड में। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना अच्छा बाज़ार होगा यहाँ पे। हर चीज़ मौजूद है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, चाहे वो शॉपिंग के हो, खाने के हो, इंडियन रेस्टोरेंट, चाइनीज़ रेस्टोरेंट और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बहुत कम है। बट एक जो हमने ढूंढा है उसका नाम क्या है, सूफरी, एक नंबर का ज़बरदस्त खाना है। फिश में एक नंबर का ज़बरदस्त अच्छा खाना है। तो अभी हम उधर ही जा रहे हैं, वो एंड में है, बिल्कुल बाज़ार के एंड में है वो शॉप। चाय भी एकदम अच्छी है और जो सालन पराठे वराठे हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ऑलमोस्ट ये बाज़ार जो है ना, ये लंकावी का, ये परफेक्ट है। बट एक चीज़ का ख्याल रखिए, यहाँ पर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है एक्टिविटीज़। तो जब भी आप प्लान करो हमारी तरह एक दिन या दो दिन का प्लान मत करो। यहाँ कम अज़ कम एक हफ़्ता तो गुजारना चाहिए। एक हफ्ते में भी आप इसको कवर नहीं कर सकते, लेकिन आप मोस्ट ऑफ द लंकावी आप देख लोगे और एक्टिविटीज़ भी कुछ ना कुछ कर ही लोगे, क्योंकि इस बजट के अंदर है ऑलमोस्ट तकरीबन सारे एक्टिविटीज़। बट टाइम का प्रॉब्लम होता है। अभी मैं बहुत कुछ यहाँ पर करना चाहता हूँ लेकिन टाइम की वजह से वो नहीं कर पा रहा। तो बता मैं ये रहा था कि जब भी आप लंकावी का प्लान करो एक दिन या दो दिन का प्लान मत करो, कम से कम एक हफ्ते के लिए आओ, पाँच दिन के लिए आओ, तभी आप अच्छा खासा घूम लोगे लंकावी में। एक दो दिन में कुछ नहीं होगा, ये मेरा एडवाइस है। यहाँ पर तकरीबन सारी चीज़ें, चाहे वो खाने हो चाहे वो घूमना फिरना हो, बजट के अंदर है। बट प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ एक दो दिन के लिए, एक दिन हमारा कल वेस्ट हो गया क्योंकि हमें पता नहीं था कि यहाँ पर रात को फेरीज नहीं आते। तो हम जो कर्ला पुरलुस था वहाँ पर हम पहुँचे रात को, तो फिर हमने उधर ही स्टे किया। आज हम आए, दो ढाई घंटे जो लगे वो उसमें लग गए, शिप में लग गए, तो सारा हमारा एक दिन ख़राब हो गया। अभी हम कल तक हैं लेकिन इसमें एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, आज बहुत तेज़ बारिश थी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब भी आप आओ पाँच जन का प्लान करके अच्छा खासा एक्सप्लोर कर लोगे, अमेजिंग जगह है। अभी हम हैं लंकावी के जो यहाँ पर छनंग बीच है, बहुत ही फेमस बीच है। बट चूँकि आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बहुत पुरसकून माहौल है, बट बारिश होने की वजह से थोड़ा सा सन्नाटा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी लोग खेल रहे हैं इधर उधर। बट बिलीव मी ये जगह देखने की है लाइफ में एक बार आप लोग। मैं खैर खुद मालदीव नहीं गया हूँ लेकिन मालदीव मैंने फोटोज वगैरह में देखा है। ये लंकावी आप आओगे ना तो आप मालदीव भूल जाओगे, बिलीव मी, क्योंकि मालदीव में तो सिर्फ एक बीच है और बाजार वाजार इतना उनका कल्चर और लोकल वो चीज़ ज़्यादा नहीं है। आई थिंक मैं खुद जाऊँगा देख लूँगा, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है यहाँ पर हर चीज़ है भाई, हर चीज़, चाहे वो आप फूड ही हो, चाहे आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो, चाहे आप जस्ट वैसे चिल कर रहे हो,
हर चीज है यहाँ पे, मजा है मजा, ग्रीनरी है, बारिश हो रही है, धूप भी लग रहा है, मौसम ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है, बहुत प्यारी जगह है बिलीव मी। तो और अभी एक्सप्लोर करते हैं मार्केट को और ज़्यादा देखते हैं। अभी मैं आपको जाऊँगा पाकिस्तान रेस्टोरेंट दिखाऊँगा, तो वहाँ पर पराठे और चाय के लिए स्पेशली हम अभी जाने वाले हैं वहाँ पे, वहाँ के पराठे और चाय बहुत ज़बरदस्त है। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? सबकी खैरियत से? मैं हूँ हाफिज़ फ्रॉम सुप्रा रेस्टोरेंट एंड काफ़ी से, जो हमारे बहुत अच्छे भाई हैं माशाल्लाह। इन्होंने बड़ी इज्जत दी है हमारे पास, इधर चलकर आए हैं लनकावी में हमारे रेस्टोरेंट पे, इन्होंने खाना भी खाया, इंजॉय भी किया है और हमारे लिए दुआएं भी की हैं। अल्लाह इनको खुश रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आपने तो पूरा ख़त्म बता दिया। अच्छा नहीं, यहाँ पर लनकावी में हम आए थे ना, तो मैंने आपको सारा देखा है, मैंने बताया ये एक रेस्टोरेंट है, नाम आपका बोल रहे हैं सुफरा रेस्टोरेंट जो है, मेरी एक्स का नाम है। एक्स आता जो इनके एक्स का नाम के सुफरा रेस्टोरेंट है, ये वाहिद रेस्टोरेंट है मेरा जिसमें परफेक्ट चाय हमें मिली और खाना भी बहुत अच्छा था, खाने से ज़्यादा और चाय से ज़्यादा। सुफियान भाई, हाफिज़ भाई बहुत अच्छे बंदे हैं, तो ज़रूर आप ये ट्राई करें।